मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, एंड न्यू फ्रंट इज नाउ ओपनिंग, दैट इज द ईरान। जो ईरान है वो अब इस वार में घुस गया है, एंड जो ईरान है उन्होंने एयर स्ट्राइक की है ऑन इसराइल, एंड वाई दे हैव स्ट्राइक ऑन इसराइल, इसकी इसका क्या बैकग्राउंड है इस न्यूज़ का, क्यों उन्होंने एयर स्ट्राइक की है इसराइल पे, और इसका जो फ्यूचर आउटकम रहेगा ऑन द मिडल ईस्ट वो क्या होगा, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मूविंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़, कि जो आज की जो जो न्यूज़ है, इनफैक्ट जो कल की न्यूज़ थी कि ईरान जो है उन्होंने स्ट्राइक किया है ऑन इसराइल। सो ऑन 13th of April अगर हम देखेंगे इस न्यूज़ को, सो ऑन 13th of April 2024 जो IRGC है, दैट इज़ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गॉड्स कॉक्स, और इनकॉर्पोरेशन विद द इराकी पॉपुलर मोबालाइजेशन फोर्सेस एंड लेबनीज ग्रुप हिजबुल्ला एंड यमन होदीज, दे ऑल दीज हैव लॉन्च द अटैक्स ऑन इसराइल। सो इन तीनों ने, इन चारों ने अटैक लॉन्च किया है ऑन इसराइल अंडर द ऑपरेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। सो इस ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने अटैक लॉन्च किया है ऑन इसराइल। सो ये जो अटैक है इसमें काफ़ी सारे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, मिसाइल्स इसमें यूज़ किए गए थे, ड्रोन्स यूज़ किया गया था, क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इसमें यूज़ किए गए थे। एंड ये जो अटैक था, दिस वॉज अगेन दिस वॉज इन रेस्पॉन्स टू द जो उन्होंने इसराइल ने अटैक किया था इससे पहले ऑन एन एम्बेसी इन दमस्कस ऑन 1st of April, जिसमें 16 पीपल जो है ईरान के वो वहाँ पे मारे गए थे, एंड इट वॉज इन रिटेलिएशन ऑफ दैट अटैक। नाउ अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस जगह पे इन्होंने अटैक किया था ईरान ने, सो द वेस्ट बैंक, इट वॉज द टारगेट पॉइंट, वेस्ट बैंक, द बॉर्डर, जो जॉर्डियन बॉर्डर है, दिस वॉज द टारगेट पॉइंट, एंड द गोलन हाइट्स, दिस वर सम ऑफ द टारगेट पॉइंट्स विच वर अटैक्ड बाई द ईरान। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो मिसाइल्स जो दागे गए थे, जो क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दागे गए थे, सो दे वायर इंटरसेप्टेड, वो ऑलमोस्ट 99% जो इसमें जो मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट किया गया था, बिकॉज ये जो इसराइल है इनका काफ़ी ज़्यादा जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इनके पास जो है, अगर हम इनके डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, इनके पास है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, इनके पास है डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम, एंड दे हैव L3 मिसाइल्स। सो इन तीनों से जो मैक्सिमम पार्ट जो अटैक का था वो यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया था, और मिनिमम जो लॉस हुआ था वो हुआ था इसराइल को। नाउ अगर हम देखेंगे एज पर इसराइल रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे, सो 99% जो है, 99% ऑफ जो मिसाइल्स उन्होंने दागे थे, दे वायर इंटरसेप्टेड बाई बाई द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग्स डिफेंस सिस्टम एंड L3 मिसाइल। इनके साथ साथ जो US का जो डिफेंस सिस्टम है, और जो फ्रांस जर्मनी का, जो उन्होंने भी थोड़ा सा उसमें हेल्प किया था इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द इसराइली रिपोर्ट्स, वन इसराइली ब्यूडियन चाइल्ड वो वहाँ पे इंजर्ड हो गया था, एंड जो 31 जो थे उनको थोड़ी से एक्सीडेंटल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड माइनर इंजरीज उनको आए थे। नाउ एज पर ईरान, ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने जो है रेमोन एंड नेवेतम जो एयर बेस बेसिस है वो यहाँ पे वो डैमेज हो गई है, रेमोन एंड नेवेतम एयर बेसिस। और अकॉर्डिंग टू द इसराइल, जो इसराइल डिफेंस फोर्स है, जो ये इसराइल डिफेंस फोर्स बेस है उसमें थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अटैक जो इसराइल ने लॉन्च किया था। एंड रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी G7 की, तो उसमें ये भी कहा गया है ईरान की ओर से कि अगर इसराइल ने यहाँ पे फिर से यहाँ पे अटैक किया तो हम पीछे नहीं हटने वाले, हम उससे भी भयंकर अटैक कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो जर्मनी है, जो फ्रांस है, उनको भी ये धमकी दी गई है कि अगर आपने थोड़ी सी अपने इसराइल को सपोर्ट किया है किसी भी सूरत में, तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स जो ईरान का जो यहाँ पे स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस है इसको लेके, अटैक को लेके, अगर इसराइल ने फिर से यहाँ पे रिटेलिएशन दिखाई है। सो
सो द सिचुएशन इज़ नाउ वर्सन, यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होती जा रही है एंड फ्यूचर में हम यहाँ पे जो भी होता है हम उस पे नज़रें जो है वो बनाए रखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.